आज आपका हेयर ट्रांसप्लांट के कितने दिन हो गए? सर एक महीने। एक महीना हो गया, तो अभी कैसा लग रहा है? अभी क्या हेयर ग्रोथ हो रही है हल्की हल्की? आप इनका देख सकते हैं कि अभी हेयर ग्रोथ हल्का हल्का होने चालू हो गया है। तो अभी ये शेडिंग फेज रहेगा, सॉक लॉस जिसको बोलते हैं, धीरे धीरे ये सारा कुछ फिर से रीग्रोथ होगा और 3 से 6 महीने तक अच्छा ग्रोथ दिखने लगती है। किसी किसी में 12 महीने लग जाते हैं, धीरे धीरे नॉर्मल आता रहेगा। ठीक है, इसमें आज आपकी फर्स्ट पीआरपी है, आज फर्स्ट पीआरपी देंगे इसमें आपको, उसके बाद कुछ दवाइयाँ बताएंगे उसको लगाना है। ठीक है, तो आज आपका फर्स्ट पीआरपी देंगे। और आप इनका देख सकते हैं कि इनका डोनर एरिया भी, आप सर नीचे करके दिखाइए, ये डोनर एरिया है, एक भी कोई भी स्कार मार्क नहीं है। एफयूवी टेक्निक से किया गया था तो इसमें कोई भी स्कार मार्क नहीं है और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ भी नहीं पता चल रहा था। अभी हम एक बार और निकाल सकते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। तो आप इनका डोनर एरिया देख सकते हैं। तो सर्जरी के दौरान कितना पेन हुआ था आपको? शुरू में हुआ था ना। तो अभी हम पीआरपी देंगे, उसके बाद फिर इसमें आपको फिर नेक्स्ट पीआरपी करीब 1.5 से 2 महीने बाद। ठीक है, पीआरपी लगाने जा रहे हैं। ये पीआरपी हमने प्रिपेयर कर लिया है, अब हम पीआरपी लगाएंगे। इनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था तो अभी हम पीआरपी आएंगे। ये हम